हाँ ये ले आया ना, रुको एक मिनट मैं दूंगा इसको, मालूम नहीं साइन है कि नहीं। आज के आवेदन को कुछ नहीं, आज के मैं देश के लिए कर रहा हूँ, उसमें निजी स्वार्थ नहीं है मेरा, भ्रष्टाचार होता है तो देश के लिए उजागर कर रहा हूँ मैं, एक और जनता के खजाने में जाएगा, मेरा क्या स्वार्थ है इसमें। सारी जाली फोटो है, ये जाली फोटो भेज दिया इन्होंने, हाँ ये जाली फोटो है, ये जाली फोटो है इनकी, मैंने शिकायत कहाँ की इन फोटो कहाँ के भेजे, इतने बदमाश है। तो लोग से फाइल लेके आया मैं, तब मालूम पड़ा मेरे को कि लोग इतने गिरे हुए हैं। सर 2 महीने पहले अपन आए थे, दिनेश जी जैन कलेक्टर थे, तब उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करवा दूंगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, एसडीएम साहब को जनपद वालों ने रिकॉर्ड तक नहीं दिया, और एसडीएम को रिकॉर्ड चाहिए तो रिकॉर्ड ही तो है मेरे पास। सबसे पहले आप ये बताइए क्या कुछ मामले रहे हैं आपके? भ्रष्टाचार के, फुल भ्रष्टाचार है नीमच जिले के अंदर, और सबसे ज़्यादा है काकरिया तलाई पंचायत में जो थाना रतनगढ़ में आती है, इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए की जमीन पूर्व सरपंच पुष्पाबाई व उसके पति मेघवाल ने 9 बीघा जमीन बना ली है, और 1 बीघे का पीवर अतिक्रमण है बेगू धामनचा रोड पर काकरिया तलाई में, जिसपे करोड़ों रुपए के वो प्लॉट बेच रहा है जो पीवर अतिक्रमण है, लेकिन प्रशासन को उसका हफ्ता आता है इसलिए प्रशासन उसकी जाँच नहीं कर रहा है। सारी की सारी कड़ियाँ लगी हुई है, मैं कह रहा हूँ सारी कड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इसमें मेन गुरु था इनका सबका गुरु, गुरु प्रसाद सीओ जिला पंचायत, वो इनका गुरु था, और इन्हें फुल भ्रष्टाचार किया। मैं कह रहा हूँ गुरु प्रसाद के ऊपर ईडी का छापा पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आप सुन रहे हो मेरी बात, तो गुरु प्रसाद का पूरा रिकॉर्ड निकालिए, ईडी का छापा लगवाइए, इसके 1 अरब से ऊपर का घोटाला इसने 7 साल में नीमच जिले के अंदर करके गया है। 243 पंचायती हमारे नीमच जिले में है, हर पंचायत में 50 से 50-60 लाख का घोटाला इसने करके और खुद ट्रांसफर करवा के भग गया है, और यहाँ पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जनता के सिर पे लग के गया। आप किस मामले को लेकर किस तरीके से जन सुनवाई में आए? मैं ये सारे जो एविडेंस हैं ये लेके आया हूँ, और इन पे जांच की गई, झूठी जांच की गई जनपद वालों ने, और ये झूठी रिकॉर्ड बना के लोकायुक्त को भेजा गया, जो सारे प्रमाण आपके सामने है, ये लोकायुक्त का लिखा हुआ सारे पे सील छप्पे लगे हुए हैं, ये सोहन को मोहन, मोहन को गधा, गधे को डायनासोर, डायनासोर को हाथी बता रहे हैं ये अधिकारी, और वहाँ पे मौके पे कलेक्टर या बड़ा अधिकारी कोई आने को तैयार नहीं है। जांचों में भी भ्रष्टाचार, जांचों में भी भ्रष्टाचार ये चल रहा है काकरिया तलाई पंचायत में, कोई भी कार्रवाई नहीं है। भैया आप बात नहीं मानोगे, एक दिन उसको किसी ने बुला के ये नहीं पूछा कि क्यों पुष्पाबाई मेघवाल आपने कितना भ्रष्टाचार किया, ये सारे मिले हुए हैं। मेरी बात सुनिए, 50 से 60 लाख की मिट्टी बेचना फोपलिया तलाई तालाब से, 10 लाख रुपए शमशान घाट के खा जाना, चुनीलाल के मकान से दशमाता चौक तक कोई सीसी नहीं होना, और अपने बरखेड़ा चौराया से हाई स्कूल भवन तक कोई नाला निर्माण नहीं होना, यूँ ऐसे कर करके 1,27,00,000 के लमसम घोटाला काकरिया तलाई पंचायत में है, जो सत्य है। अभी साहब से मेरा नाम आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार मांगीलाल जी, प्रजापत, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन कल्याण समिति का जिला अध्यक्ष हूँ मैं, दुर्भाग्य देखिए ये। थैंक यू।